हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताज तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टटेक फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए जो मैं आप लोगों को स्टेप्स बताऊंगा, बस वही स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करना है, तो आप भी अपने कंप्यूटर सिस्टम में ये जो वर्डप्रेस है इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर पे डबल क्लिक करना है। आप लोगों के सिस्टम में जो भी ब्राउजर होगा उस पर आप लोग डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करने के बाद में तो गूगल में हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस टाइप करने के बाद में यहाँ पे एंटर करना है, और एंटर करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देखोगे कि wordpress.com और wordpress.org यहाँ पे दो वेबसाइट आप लोग शो होंगे। अभी दोनों में क्या डिफरेंस है, जो प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने क्रिएट किए थे उसके फोर्थ नंबर पॉइंट पे मैंने आप लोग क्लियर किया हूँ कि wordpress.com और wordpress.org दोनों में क्या डिफरेंस है। और यहाँ पे आज के वीडियो में हम लोग वर्डप्रेस अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करेंगे इसके रिलेटेड बताया जाएंगे। तो यहाँ पे wordpress.org इस लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है। इस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो गई। ओपन होने के बाद में यहाँ पे गेट वर्डप्रेस इस पे भी क्लिक करके आप लोग ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर जैसे आप लोग यहाँ पे डाउनलोड वर्डप्रेस 6.0.2 ये यहाँ पे फाइल दी हुई है, इस बटन पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों की जो भी वर्डप्रेस की फाइल है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये डाउनलोड होना शुरू हो गई। ये डाउनलोड होने के बाद में हम लोगों को जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में जो आप लोग रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे यहाँ पे PHP चाहिए आप लोगों को और यहाँ पे MySQL आप लोगों को चाहिए। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट हम लोगों को पूरी करने के लिए यहाँ पे जो XAMPP और एक WAMP ये सॉफ्टवेयर हम लोगों को डाउनलोड करना है। ये दोनों में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे XAMPP को XMB कहा जाता है और जो WAMP ऐसे WMB कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन अलग अलग लेकिन यूज सेम है। तो यहाँ पे ये दोनों में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड करोगे। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग XAMPP सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने लें। तो यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर देंगे। न्यू टैब ओपन करने के बाद में गूगल सर्च में आप लोगों को यहाँ पे सर्च टेक्स्ट बॉक्स में XAMPP ये टाइप करना है। टाइप करने तो एंटर कर दो। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है XAMPP की, इस वेबसाइट पे हम लोग क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे डाउनलोड पे आप लोग क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में जो भी आप लोगों की विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है या जैसे आप लोगों की लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या जैसे आप लोगों की एप्पल की मैक OS है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग यूज करते हैं उसके हिसाब से आप लोग सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे आप लोग देख रहे PHP जो लेटेस्ट वर्जन हम लोग डाउनलोड करेंगे। जैसे आप लोगों को यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में बताया गया है PHP 7.4 और उससे ग्रेटर होगा तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग PHP 8.1.6 ये वाला सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। जैसे हम लोग डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा यहाँ पे आप लोगों के इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड है कि कितना टाइम यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने में ले लेता है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड हुआ है। डाउनलोड होने के बाद में इस ब्राउजर को हम लोग क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में जिस लोकेशन पे आप लोगों ने सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, जैसे हम लोग PC पे डबल क्लिक करेंगे, जो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है तो डाउनलोड में यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएगा। अब शो होने के बाद में सबसे पहले आप लोग क्या करना है, जो XAMPP जो सॉफ्टवेयर है पहले इसे इंस्टॉल करना है। तो XAMPP पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे XAMPP का जो सेटअप है ये विंडो यहाँ पे ओपन होंगे। इस विंडो में आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी चेक बॉक्स है एज इट इज जैसे ऐसे यहाँ पे रखना है और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में जिस लोकेशन पे आप लोगों की जो फाइल जो आप लोगों का XAMPP जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल होगा, तो यहाँ पे सी ड्राइव में XAMPP नाम का एक जो फोल्डर है इसमें फाइल यहाँ पे इंस्टॉल होने लगी। अगर आप लोग उसका लोकेशन चेंज करना है तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे लोकेशन चेंज कर सकते हैं। आप लोग डी में चाहे तो आप लोग डी में भी रख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो भी आप लोग लोकेशन चाहिए आप लोग ले लो। जैसे हम लोग यहाँ पे लोकेशन चेंज नहीं करेंगे, हम लोग सी ड्राइव में जो XAMPP फोल्डर है इसी में हम लोग यहाँ पे इसे इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से एक बार नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक ब्राउजर, यहाँ पे ब्राउजर में एक विंडो ओपन होंगी। तो यहाँ पे इस विंडो को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद में यहाँ पे फिर से हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक करना है। आप लोगों को फिनिश पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे XAMPP की विंडो ओपन होगी, जिसे XAMPP
कंट्रोल पैनल कहा जाता है। रैम कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद में यहाँ पे अपाचे और MySQL इन दोनों को यहाँ पे आप लोगों को स्टार्ट करना है। जैसे हम लोग पहले अपाचे को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप लोग MySQL इसे भी स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे अगर गलती से आप लोगों ने अगर ये विंडो क्लोज भी किए तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लोगों को स्टार्ट करना रह गया था जिस लोकेशन पे आप लोगों ने जो इस XAMPP इंस्टॉल किया हुआ है उस लोकेशन पे आप लोग जाना। जैसे हम लोग यहाँ पे लोकल डिक्सी इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे XAMPP नाम का एक फोल्डर इस पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पे XAMPP Control.exe इस फाइल पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में फिर से ये XAMPP कंट्रोल पैनल की विंडो आप लोग के सामने ओपन होगी। फिर से आप लोग यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप जो भी करना है आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये विंडो अगर क्लोज भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से आप लोग फिर से ओपन कर सकते हैं। तो ये वो हम लोगों का इंस्टॉलेशन और यहाँ पे कंट्रोल पैनल से हम लोगों ने Apache और MySQL यहाँ पे स्टार्ट किए। अब स्टार्ट होने के बाद में इस विंडो को हम लोग क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में फिर से हम लोग डिस्क पीसी पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद में हम लोगों की जो डाउनलोड में चले जाएंगे और डाउनलोड में जो वर्डप्रेस का जो यहाँ पे हम लोगों ने जो जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोड किए थे इसे हम लोग अब अनजिप कर देंगे। अनजिप करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक कर देना। राइट क्लिक करने के बाद में एक्सट्रैक्ट टू इसके ऊपर वर्डप्रेस 6.0.2 इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। आप लोगों के सिस्टम में विनरार अगर सॉफ्टवेयर है इससे भी हम लोग यहाँ पे इसे अनजिप कर सकते हैं, या फिर 7-Zip अगर आप लोगों का सॉफ्टवेयर है इससे भी हम लोग इसे अनजिप कर सकते हैं। बस इस जो जिप फाइल को हम लोगों को अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद में यहाँ पे जो ये फोल्डर है वर्डप्रेस का इस पे आप लोग डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में इस फोल्डर के अंदर जो आप लोग वर्डप्रेस का जो फोल्डर शो हो रहा है इस फोल्डर को आप लोग सिलेक्ट करना है, उसे कॉपी करना है। जैसे राइट क्लिक कॉपी कर दे या फिर कंट्रोल सी कर देना। कॉपी करने के बाद में जिस लोकेशन पे आप लोगों ने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है जैसे इस विंडो को हम लोग हाफ स्क्रीन कर देंगे। हाफ स्क्रीन करने के बाद में जैसे मैं इसे साइड में यहाँ पे हाफ स्क्रीन करके साइड में ले लेता हूँ। उसके बाद में हम लोग डिस्क पीसी पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इसे मैक्सिमाइज कर देंगे और यहाँ पे जो लोकल डिस्क सी है सी में जो हम लोग XAMPP जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है XAMPP फोल्डर इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद में इस विंडो को हम लोग हाफ स्क्रीन कर देंगे। तो साइड बाय साइड आप लोग देख सकते हैं ये वर्डप्रेस के जो हम लोग जिप फाइल अनजिप किए थे उस पर डबल क्लिक करने के बाद जो वर्डप्रेस आप लोग यहाँ पे जो फोल्डर शो हो रहा है इस फोल्डर को आप लोगों को यहाँ पे जो htdocs है htdocs में आप लोग जो ये फोल्डर शो हो रहा है इस फोल्डर के अंदर ये जो फाइल आप लोगों ने कॉपी किए इसे यहाँ पे पेस्ट करना है। आप लोग कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हैं या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग राइट क्लिक कॉपी किए तो यहाँ पे राइट क्लिक हम लोग पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के ऊपर डिपेंड है आप लोग कॉपी पेस्ट कैसे करते हो। तो यहाँ पे कोई भी मेथड से आप लोग सिर्फ ये वर्डप्रेस जो फोल्डर है यहाँ पे इस फोल्डर को यहाँ पे htdocs इस फोल्डर के अंदर आप लोगों को पेस्ट करना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे वर्डप्रेस जो फोल्डर है आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट किए, पेस्ट करने के बाद इस विंडो को हम लोग क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद में इस विंडो को हम लोग मैक्सिमाइज कर देंगे। मैक्सिमाइज करने के बाद में जो वर्डप्रेस फोल्डर आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है इसे आप लोगों को रिनेम करना है। तो आप लोग उस फोल्डर पर राइट क्लिक करके यहाँ पे रिनेम पे क्लिक कर सकते हैं या फिर फंक्शन के F2 बटन प्रेस कर दो उससे भी आप लोग ये फाइल रिनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फाइल है जो भी आप लोगों को वेबसाइट आप लोग क्रिएट करोगे तो उस वेबसाइट का नेम क्या है तो इस हिसाब से आप लोग अपना वेबसाइट का नेम दे सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे माय वेबसाइट ये नेम दे देंगे। यहाँ पे माय वेबसाइट देने के बाद में इस विंडो को हम लोग यहाँ पे मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करने के बाद में यहाँ पे फिर से हम लोग गूगल क्रोम ब्राउजर पे डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो वर्डप्रेस जो हम लोगों को इंस्टॉल करना है इसका सेटअप मैं आप लोग स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसे गूगल क्रोम ब्राउजर पे डबल क्लिक किए, डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन होगा। ओपन होने के बाद में यहाँ पे जो उसके एड्रेस बार में आप लोगों को यहाँ पे टाइप करना है लोकल होस्ट और स्लैश आप लोग यहाँ पे टाइप करना है php my admin। टाइप करने के बाद में यहाँ पे एंटर कर दो। एंटर करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे उसका डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जैसे लोकल होस्ट स्लैश php my admin हम लोगों ने यहाँ पे टाइप किए। टाइप करने के बाद में यहाँ पे डेटाबेस इस पे आप लोग क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे डेटाबेस तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं। जैसे हम लोग अपना नेम दे देंगे माय डेटाबेस ये नेम दे दिए। देने के बाद में सिर्फ आप लोग यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्रिएट पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि माय डेटाबेस नाम का यहाँ पे आप लोगों को डेटाबेस शो होगा। अब यहाँ पे शो होने के बाद में हम लोग फिर से न्यू टैब ओपन करेंगे और न्यू टैब ओपन करने के बाद में इंस्टॉलेशन की जो भी प्रोसेस जो भी स्टेप्स है अब ये कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम लोग लोकल होस्ट ये टाइप करेंगे स्लैश और यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है जो भी वेबसाइट आप लोगों ने जो नेम दिए थे। जैसे मैं आप लोग यहाँ पे दिखा देता हूँ जो वर्डप्रेस जो फोल्डर था उसे हम लोगों ने रिनेम किए थे। जो भी नेम आप लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है वही नेम आप लोगों को यहाँ पे टाइप करना है लोकल होस्ट माय
वेबसाइट, यहाँ पे हम लोगों ने नेम दिया हुआ है, और देने के बाद में यहाँ पे एंटर कर दो। एंटर करने के बाद में अब यहाँ पे वर्डप्रेस आप लोगों को इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे जो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट एज इट इज जैसे ऐसे रहने देना यहाँ पे, और यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में हम लोग यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक कर देंगे, और लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद में जो भी डेटाबेस नेम आप लोगों का, जो भी डेटाबेस का नेम है वो यहाँ पे आप लोग टाइप करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे डेटाबेस में देख सकते हैं जो भी नेम आप लोगों ने क्रिएट किए थे, माय डेटाबेस, तो माय डेटाबेस आप लोगों को यहाँ पे टाइप करना है। आप लोग जो भी नेम दोगे वहां पे आप लोग टाइप करना है। जैसे हम लोग डेटाबेस का नाम ही दिया है माय डेटाबेस, उसका जो यूजर नेम है, यूजर नेम आप लोग टाइप करना है रूट, और पासवर्ड जो आप लोगों को ब्लैंक रखना है। पासवर्ड में आप लोग कुछ भी टाइप नहीं करोगे। उसका डेटाबेस होस्ट जो भी है, लोकल होस्ट एज इट इज जैसे ऐसे रहने देंगे, और टेबल प्रीफिक्स जो भी डब्ल्यूपी यहाँ पे जो वर्ड शो हो रहा है ये भी एज इट इज जैसे वैसे रहने देंगे, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पे फाइल जैसे देख रहे हैं कि माय वेबसाइट के अंदर जैसे चले जाओगे तो यहाँ पे डब्ल्यूपी आप लोगों को वहां पे शो होगा। तो यहाँ पे जो नेम है एज इट इज जैसे ऐसे रहने दो। अगर आप लोग चेंज करना है आप लोग चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग जैसे एज इट इज जैसे ऐसे रहने देंगे, और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे रन द इंस्टॉलेशन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को जो वेबसाइट आप लोग शो होंगी उसके टाइटल में आप लोग क्या नेम चाहिए, तो जैसे हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, मुझे मेरे चैनल का नाम दे देता हूँ मैं सॉफ्टटेक, ये नेम मुझे यहाँ पे चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन देख रहे हैं तो यहाँ पे सॉफ्टटेक ऐसे ये नाम यहाँ पे टाइटल में शो होगा। जैसे एचटीएमएल में आपको पता ही है जो टाइटल टैग में हम लोग जो भी नेम टाइप करते हैं वो जो भी वेब पेज उसके टाइटल में यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे साइट टाइटल में आप लोग सॉफ्टटेक जैसे मैंने यहाँ पे नेम दिया हूँ, उसका जो भी यूजर है, यूजर हम लोग यहाँ पे एडमिन नेम दे देंगे, और देने के बाद में जो भी उसका पासवर्ड है पासवर्ड भी हम लोग एडमिन यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद में अगर आप लोग जैसे देख रहे हैं यहाँ पे वेरी वीक, यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है कि पासवर्ड वीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड आप लोगों को सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पे टाइप किया हूँ कि यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड एडमिन है। पासवर्ड हम लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे जैसे दिया हुआ है कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, कि यहाँ पे हम लोग वीक पासवर्ड जो चेकबॉक्स यहाँ पे आप लोगों को ऑन करना है कि इसी वीक पासवर्ड से हम लोग वहाँ पे लॉग इन करेंगे। तो यहाँ पे कंफर्म वीक पासवर्ड ये चेकबॉक्स यहाँ पे ऑन किए, ऑन करने के बाद में यहाँ पे योर ईमेल पे यहाँ पे आप लोग अपनी खुद की ईमेल आईडी या कोई डमी ईमेल आईडी, कुछ भी ईमेल आईडी यहाँ पे आप लोग टाइप कर सकते हैं। जिसमें यहाँ पे abc@gmail.com हम लोग टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद में यहाँ पे सर्च इंजन विजिबिलिटी है, तो यहाँ पे जो चेकबॉक्स यहाँ पे से अनचेक ही रहने देना है, और डायरेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस पे आप लोगों को क्लिक करना है। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में तो यहाँ पे हम लोग एडमिन यूजर नेम देंगे, क्योंकि हम लोगों ने यूजर नेम एडमिन दिया हुआ था, और जो उसका पासवर्ड है पासवर्ड भी हम लोगों ने एडमिन दिया हुआ था। तो यहाँ पे मैं आईस पे क्लिक करके दिखा देता हूँ कि एडमिन हम लोगों का पासवर्ड है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो वर्डप्रेस का जो पूरा डैशबोर्ड है ये आप लोगों के सामने यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ से आप लोग डायरेक्ट आपके वेबसाइट पे अगर जंप करना है वहां पे आप लोग न्यू टैब में ओपन कर, न्यू टैब पे ओपन कर सकते हैं, या उसी टैब में भी आप लोग अपनी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों ने टाइटल में जो नाम दे रहे सॉफ्टटेक या जो भी नाम आप लोगों ने दिया हुआ है, तो वहां पे उसके ऊपर डायरेक्ट आप लोग क्लिक करके उस साइट पे विजिट कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके न्यू टैब पे हम लोग क्लिक करेंगे तो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आपका जो वेबसाइट है, वेबसाइट का यहाँ पे लुक कुछ इस तरह होगा। जैसे हम लोग स्क्रॉल डाउन कर देंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप लोग देख रहे हैं इस वेब पेज में इतना ही है। बाकी अगर आप लोग जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे क्रिएट करते चले जाऊंगा तो उस वीडियो में आप लोग ज्यादा सीखूंगा कि इस वेब पेज को हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कैसे करेंगे, प्लगइन्स क्या है, थीम सिस्टम क्या है, सब वीडियो में आप लोगों के लिए डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद में जैसे अगर आप लोग फिर से डैशबोर्ड पे डायरेक्ट जा रहे हैं तो आप लोग यहाँ से भी डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। या फिर जैसे आप लोगों ने ये विंडो पूरी जैसे ब्राउजर क्लोज किया है और आप लोग फिर से यहाँ पे आप लोगों को डैशबोर्ड और आपकी वेबसाइट अगर आप लोगों को ओपन करना है तो यहाँ पे आप लोग गूगल क्रोम ब्राउजर पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप लोग टाइप करेंगे लोकल होस्ट, और यहाँ पे आप लोग अपनी वेबसाइट का नाम दोगे जो आप लोगों ने जो फोल्डर आप लोग वर्डप्रेस का रिनेम किया हुआ था। तो जैसे हम लोग यहाँ पे नेम देंगे माय वेबसाइट और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद में डायरेक्ट आप लोगों की यहाँ पे जो भी वेबसाइट यहाँ पे शो होंगी, और अगर आप लोग डैशबोर्ड के ऊपर चले जाना है तो यहाँ पे हम लोग न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे लोकल होस्ट माय वेबसाइट, यहाँ पे एज इट इज जैसे ऐसे रहने देंगे, और यहाँ पे स्लैश यहाँ पे टाइप करेंगे डब्ल्यूपी, और यहाँ पे डैश देके एडमिन टाइप करना है। उसके बाद में एंटर करना है। एंटर करने के बाद में यहाँ पे आप लोग लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछा जाएगा, तो आप लोग अपना लॉगिन आईडी जैसे हम लोग एडमिन टाइप करेंगे और पासवर्ड हम लोगों का एडमिन ही है टाइप कर देंगे। टाइप करने बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट अपना जो भी डैशबोर्ड है, जो वेबसाइट हम लोग क्रिएट करें उस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। मुझे यही बताना था कि हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो भी वर्डप्रेस इसे कैसे इंस्टॉल करेंगे, जो हम लोगों ने जैम सॉफ्टवेयर की मदद से यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो
तो यहाँ पे जो भी इंस्टॉलेशन मैंने आप लोग पूरे स्टेप बताए हुए, तो पूरे स्टेप से आप लोग सही से फॉलो करेंगे तो आप भी अपने सिस्टम में ये जो वर्डप्रेस है इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और अगर आपके जो भी क्वेश्चन है जैसे इंस्टॉलेशन रिलेटेड है या अदर कोई अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।